अजय माकन जी राजस्थान के प्रभारी हैं, बार बार आएंगे, यहाँ का फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तभी तो पार्टी मजबूत होगी। मैं पायलट साहब को कोई बड़ा पद सौंपने की पायलट साहब हमेशा बड़े ही तो रहे हैं। सर पोखरण में सर आपके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं, इनका आरोप है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके घर के आगे अपने तिरंगा हाई मार्च लगवा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं भाजपा कार्यकर्ता। देखो भाजपा के कार्यकर्ता पहली बार देखा कि झंडे पर भी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है कि तिरंगा जो लगता है हमेशा सर की नसीब लगता है जहाँ नगर पालिका भ्रष्टा करती है। ये उन्होंने तय किया है कि मेरा कोई डिमांड नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि तिरंगा वहाँ पर शानदार लगे, वहाँ पर लोग आए, वहाँ पर हमारा जो शक्ति स्थल है जो हमारा जिला कलेक्टर ने बनाया था उस शक्ति स्थल के सामने लगता है, तो मैं समझता हूँ वहाँ इतने लाखों पर्यटक आते हैं, ऑन वे हैं, तो ध्वज होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज। सर उनका आरोप है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, जो पहले की निर्धारित जगह थी उसको वहाँ से उठवा कर अपने घर के सामने। भले आदमी आप ही समझदार हो। सर एक राजस्थान में ज्योतिषी से अजय माकन जी राजस्थान के प्रभारी हैं, बार बार आएंगे, यहाँ का फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तभी तो पार्टी मजबूत होगी। मैं पायलट साहब को कोई बड़ा पद सौंपने की पायलट साहब हमेशा बड़े ही तो रहे हैं।